गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मां सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, अगर मान लीजिए आपके पास एमएस एक्सेल में कोई बहुत बड़ा डेटा हो तो उस डेटा को आप सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, डेटा में से पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करना काफी मुश्किल होता है और इसके लिए हम लोग तरह तरह के फॉर्मूला को यूज करते हैं। लेकिन आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिना फॉर्मूला का यूज किए बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग किसी भी डेटा में से पार्टिकुलर रिकॉर्ड को आसान तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो बिना समय को नष्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और देख लेते हैं वो ट्रिक क्या है जिसकी मदद से हम अपने डेटा में से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आसानी से सर्च कर सकते हैं। सो लेट्स गो। जैसे कि हम लोग आ गए हैं अपने एमएस एक्सेल के वर्कशीट पर और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डेटा अवेलेबल है और इस डेटा में मेरे पास कुछ नेम है, सब्सक्राइबर नेम है, बुक का नेम है, कोड नंबर है, बिल नंबर है, रिसिप्ट कब किए थे वो है और कब तक उनका रिन्यू वाला डेट है वो भी यहाँ पर दिया गया है। अब इन डेटा में से मान लीजिए कि मुझे किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को देखना है तो वो मैं कैसे देख सकता हूं बिना फंक्शन, बिना फॉर्मूला का उपयोग किए। तो आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एक्सेल में एक जबरदस्त ट्रिक है जिसके मदद से आप जो है किसी भी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को आप आराम से देख सकते हैं। सपोज करते हैं कि आपको किसी पार्टिकुलर नेम का रिकॉर्ड देखना है कि वो जो नेम है, मान लीजिए यहाँ पर एक नाम हम लोग देख रहे हैं, आभा मल्लिक। अब आभा मल्लिक जो नाम है इनका जो है हम लोग देखना चाहते हैं वो कितना बार जो है बुक के लिए पेमेंट किए हैं और वो जो है वो उनका कितना ड्यूज अमाउंट है और कितना इन्होंने पेमेंट किए हैं और इनका अलग अलग रिसिप्ट नंबर क्या है और इनका कोड नंबर भी क्या है, ये सारे चीज देखना है। आप मल्टीपल तरीके से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं और आप सिंगल तरीके से भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सब्सक्राइबर नेम को कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर किसी भी जगह में रख के इसको पेस्ट कर देता हूँ और आभा मल्लिक जो है इनको भी कंट्रोल सी करके कॉपी करके यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। देखिए आ गया है। अब हम चाहते हैं कि आभा मल्लिक का जो रिकॉर्ड है पूरे साल भर का या मान लीजिए 3 साल का, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूँ तो आपको देखने को मिलेंगे 23 तक रिकॉर्ड है। देखिए 24 तक का भी रिकॉर्ड है, कोई एडवांस पेमेंट किया है तो उनका भी रिकॉर्ड है, देखिए 24 तक दिखा रहा है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे यहाँ पर मिलेंगे, जैसे 2023 तक तो आपको मिल ही जाएंगे। तो फिलहाल के लिए जो है मैं आभा मल्लिक का कब कब वो उन्होंने पेमेंट किया है और कितना इनका बिल नंबर है, कितना इनका कोड नंबर है, ये सारे चीज मुझे बताने के लिए मैं यहाँ पर टैब का यूज करूंगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग सीधा चले जाएंगे यहाँ पर डेटा ऑप्शन में। डेटा में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे फिल्टर ऑप्शन के जस्ट बगल में एडवांस, ये एडवांस फिल्टर है। जी हाँ, एडवांस फिल्टर के मदद से हम लोग इस काम को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। तो हम लोग एडवांस में जस्ट क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने ये विंडो अपीयर हो जाएंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सबसे पहला काम जो है कॉपी टू अनदर लोकेशन, आपको इसमें क्लिक करना है और यहां से जो है लिस्ट रेंज में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहां से जो है हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का डेटा है उस डेटा के रेंज को हम लोग पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम लोग डेटा रेंज को पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए डेटा रेंज को हम लोग पूरा सिलेक्ट कर लिए। अब सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको क्या बताया जा रहा है कि क्राइटेरिया रेंज क्या होता है, आप जहां जिसका रिपोर्ट देखना चाहते हैं, हम लोग किसके आधार पर देखना चाहते हैं, सब्सक्राइबर नेम और आभा मल्लिक। तो सब्सक्राइबर नेम और आभा मल्लिक दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहां पर कॉपी टू, कॉपी आपको कहां करना है, मतलब रिकॉर्ड जो आएगा वो कहां पर आएगा,
तो हम लोग को यहाँ पर हम लोग दिखाना चाहते हैं, आप किसी भी सेल को ले सकते हैं, चाहे यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, जहां भी आप रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं वहां पर आपको एक बार सिंगल क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, देन आपको ओके करना है। जैसे आप ओके में क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आ गया है, वो एक ही बार पेमेंट किए हैं अभा मलिक, जो है कोड नंबर 532। उन्होंने 10 अक्टूबर 2021 को ही पेमेंट किया है, इसके बाद उन्होंने और कोई पेमेंट नहीं किए है, इसलिए इनका और शो नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से इसको आप डिलीट कर देते हैं, कोई दूसरा रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं और इसको सिंपल सा आप नॉर्मल कर दीजिए। अब हम मान लीजिए यहाँ पर अभा मलिक को हटा देते हैं, अब कोई दूसरा ले लेते हैं, चलिए हम लोग चाहते हैं अनिल कुमार बेरा, या मान लीजिए हम लोग श्री एन सी साह कर लेते हैं। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, यह आ गया। अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका रिकॉर्ड हम लोग देखना चाहेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग वही काम करेंगे। तो वही काम करेंगे, सिंपल सा हम लोग यहाँ किसी भी जगह पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे किसी भी सेल को, देन हम लोग चले जाएंगे डेटा में टैब में, और डेटा टैब में आने के बाद यहाँ मिलेंगे आपको एडवांस का ऑप्शन। यहाँ पर आपको कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्लिक कर देना है, यहाँ से आपको पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए एक बार हमने रेंज को सिलेक्ट किया था इसलिए वो ऑलरेडी सिलेक्टेड दिखा रहा है। क्राइटेरिया रेंज में आपको इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से हम क्राइटेरिया रेंज अब इसको ले लेंगे। देन आपको क्या करना है, कॉपी टू में यहाँ पर आप कहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ पर हम रखना चाहते हैं, देन हम लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है तो इसका सेल एड्रेस आ जाएगा, देन इसको ओके कर देना है। तो देखिए एनसी शाह का बता रहा है, देखिए रिसिप्ट नंबर ये है, ये है, ये है, ये है, उन्होंने 4 बार पेमेंट किया है, वही आपको बता रहा है। एक बार उन्होंने 360 रुपीज किया है, 110 रुपीज किया, 120 रुपीज किया है, 120 रुपीज किया है। लास्ट उनका खत्म कब होता है, 31 दिसंबर 2023 को उनका रिन्यूअल खत्म होता है। तो यहाँ तक देखिए इनका रिकॉर्ड दिखा रहा है। इसी तरह से आप पार्टिकुलर कोई भी रिकॉर्ड को एक ही सीट पर आप देख सकते हैं, आप चाहे तो दूसरे सीट में भी इसको देख सकते हैं। चलिए मैं इसको अब मल्टीपल वे से आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे मान लीजिए कोड नंबर, सब्सक्राइबर नेम, बुक और अमाउंट, ये तीनों का हमको रिकॉर्ड चाहिए, तो कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और सीट टी में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट अब क्या काम करना है, अब किसी भी एक नेम को हम लोग उठा लेंगे, जैसे सपोज दैट सुब्रत सर का, इसको उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं और इसके अमाउंट को उठा लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए और कंट्रोल वी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर लिए। देखिए आ गया। अब आने के बाद क्या करना है, आपको सिंपल सा यहाँ पर किसी भी सेल में आप रखिए और चले जाइए फिर से आप डेटा टैब में और यहाँ से आप कर दीजिए एडवांस में क्लिक। एडवांस में क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप लिस्ट को हटा दीजिए और यहाँ से आप फिर से यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ डेटा को। देखिए डेटा रेंज मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर बता रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हम लोग क्या देंगे, हम लोग यहाँ से यहाँ तक का ले लेंगे क्राइटेरिया। कॉपी टू मतलब क्या हुआ, कहाँ रखना है, यहाँ रखना है मुझे, ओके कर देंगे। जैसे आप ओके कर दीजिएगा तो देखिए ये जो है ये आपको वन टाइम पेमेंट किए हैं, 2781 इनका रिसिप्ट नंबर है और ये जो है 531 इनका कोड है, इनका नेम सोमेंद्र मुखर्जी है और यहाँ पर देखिए इनका बुक भी दिखा रहा है और यहाँ पर देखिए इनका कब उन्होंने बुक को पेमेंट किए थे वो भी दिखा रहा है, कितना रुपीज पेमेंट किए थे वो भी दिखा रहा है, क्या पेमेंट का अमाउंट था वो भी दिखा रहा है और यहाँ पर इनका रिन्यूअल डेट भी दिखा रहा है, मतलब कब इनका खत्म हो चुका है, 30 सितंबर 2021 को इनका ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो ये सारे रिपोर्ट देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखा रहा है, ना तो इसके लिए हम लोग कोई फॉर्मूला का यूज किए, ना कोई फंक्शन का यूज किए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है, जय हिंद।